अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना होस्ट सिकंदर अली। इस वक्त हम मौजूद हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, बहुत ही प्यारे मॉल में। रिदास के नाम से ये शॉप्स है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने शो का आगाज़ करते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे कस्टमर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो कैमरा आगे आगे मैं और पीछे पीछे वो, आ जाए भाई आ जाए। चले सर से पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? जी ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? यासर नाम है। यासर सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों ने मॉल प्रेजेंट किया रिदास के नाम से। काफ़ी कलेक्शन है यहाँ पे जेंट्स की, छोटे बच्चों की, प्रॉपरली फीमेल्स के हवाले से भी एम्ब्रॉयडरी वाले सारी वैरायटी आपके पास अवेलेबल है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे विफाक ट्रांसमिशन के लिए, विफाक स्पेशलिस्ट के लिए, यहाँ की आवाम के लिए? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पर विज़िट करें, आपको पसंद आएगी, हर चीज़ पसंद आएगी। इम्पोर्टेड है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का कर रहे हैं और अभी सबसे मुनासिब ही है तकरीबन। जी आप बिल्कुल सनेका के सबसे मुनासिब रेट है। यहाँ पे फैमिलीज़ आए, यहाँ पे भी जैसे कि रमज़ान आके आ रहा है, बहुत सारे फीस में भी रश होगा यहाँ पे हर किस्म की। मैं भी माशाल्लाह बिल्कुल यहाँ पे शो शुरू करने से पहले देख रहा था, तकरीबन सारी जो के रिक्वायरमेंट है फैमिलीज़ की होती, जो एक्सपेक्ट करके मॉल में जाते कि ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी। बिल्कुल ऑब्वियसली मैं कहूँगा, लोगों को मैसेज देना चाहूँगा मुजफ्फराबाद के, सॉरी मीरपुर आज़ाद कश्मीर के, यहाँ के इर्द गिर्द के लोग के फैमिलीज़ वो यहाँ पर आए, आपको एक ही छत के नीचे सब कुछ वैरायटी मिलेगी। तो बातें तो होती रहेंगी। चले सर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं सर, आप सुनाएं। सर अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। माशाल्लाह मौसम तो आज बहुत अच्छा है, इसी तरह आपसे अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे। क्या नाम है आपका? जी शहजाद मेरा नाम है। माशाल्लाह मौसम आज बहुत अच्छा है और रिदा पे हम लोगों ने क्रिसमस के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ रखी हैं और उसमें जनवरी में हमने स्टार्ट लिया था 2 बाय 1 फ्री का, तो वो अभी तक हम लोग का वही प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि वो भी कस्टमर्स की डिमांड पर, कस्टमर्स ने लाइक किया, हम लोग उसी को ही जो आगे चला रहे हैं। उसके अलावा फिर हमने जेंट्स का भी शुरू कर दिया है, अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हमारे पास बड़े अच्छे किस्म के मास साहब हैं जो बहुत ही अच्छा तरीके से वो सूटिंग को स्टिच कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात की कि कहते हैं ना सूट जैसा भी हो, सबसे मेन जो खास चीज़ होती है ना वो अल्ट्रेशन के पास सिलाई जो करते हैं चीज़ को, जिनको मेन क्रेडिट जाता है, तो उनसे भी बात करेंगे। सर ने कहा 2 बाय 1 के साथ फ्री भी कर रहे हैं, तो आगे ईद आ रही है, फैमिलीज को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं और नहीं जाएँ, रिदास पर आएँ। रिदास एक बड़ा प्यारा सा नाम है, चाहे वो मसाला के हवाले से रिदा तड़के वाली हो, चाहे वो रिदास के नाम उनकी हो को वैरायटी हो। अस्सलाम वालेकुम जी। तो चलते हैं मास्टर साहब के पास, उनसे पूछते हैं इतने प्यारे प्यारे सूटों को मजीद प्यारा कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ महमूद। काशी महमूद साहब है, नाम भी बहुत प्यारा। तो मास्टर साहब जैसे वो सर ने मुझे पहले कहा कि बहुत अच्छी माशाल्लाह स्टिचिंग करते हैं, सर कितने अर्से से आप ये काम कर रहे हैं? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स से माशाल्लाह, 20 साल के एक्सपीरियंस हो मास्टर साहब का, तो फिर नाम मायार वो जो दिल जीत ले। तो सर क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? अब इतनी सारी फैमिलीज आती हैं और आपकी सिलेक्शन के बारे में नो डाउट वो नज़र आ रही है माशाल्लाह। सर जी मैं इधर मीरपुर में अभी आया हूँ, मैं पहले 2 ईयर्स मैं दुबई में था, इनकी उधर शॉप थी, इन्होंने फिर इधर मुझे भेजा है कि आप उधर जाके कुछ करके दिखाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी की बना के दे रहे हैं, आप डिज़ाइनिंग हमारी देखें इंशाल्लाह आपको इधर मीरपुर में नज़र नहीं आएगी ऐसी, जो क्वालिटी है स्टिचिंग की डिज़ाइनिंग की वो अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद देखेंगे कि अच्छी से अच्छी इंशाल्लाह बना के देंगे। माशाल्लाह काशिफ सर ने कहा मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, 2 JJA इंटरनेशनल भी अबू धाबी में गुजार के, और इतने बड़े नाम है इनका, इतने बड़े डिज़ाइनर है, तो ऑब्वियसली जितना अच्छा काम होगा उतना बड़ा नाम होगा। अगर वहाँ पर अबू धाबी में भी कामयाबियाँ समेटी है तो हमारी उम्मीद है वफाक टीम की तरफ से कि मजीद आगे भी कामयाबियाँ समेटी। तो एक कोई छोटा सा मैसेज देना चाहें अगर? सर जी आएँ, कस्टमर आके हमें देखें, इसी में हमारी खुशी है कि हौसला अफजाई होती है कि चलो कोई आएगा देखेगा वो पसंद करेगा, तो हमें इसी में ज़्यादा खुशी है। चले जी थैंक यू सो मच। चलते हैं यहाँ पे भी एक, जो यहाँ पे अगर हमारा कैमरा फोकस कर दे लेडीज़ की तरफ से, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाले क्या ये ट्राउज़र और ये वो फ्रॉक्स भी है यहाँ पे, अगर ज़रा आप यहाँ पे भी फोकस कर दें। दो प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे 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 दोनों भाई हैं, आज संडे है, संडे को शॉपिंग करने के लिए, तो इनके साथ बात करते हैं, जीन्स खरीदते हैं, टी शर्ट खरीदे, क्या खरीदे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साद हसन। साद हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अबू बकर। अबू बकर साद हसन, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबह अल्लाह, यहाँ पे क्या शॉपिंग करने आए हो? क्या करने आए हो? शॉपिंग करने। क्या खरीदने लगे हो? पैंट। पैंट, और आप क्या खरीदना चाहते हो? पैंट। आप भी पैंट खरीदना चाहते हो? आप दोनों भाई हो माशाल्लाह, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3। 3 और आप? 3। ये दोनों माशाल्लाह 3 में पढ़ते हैं। चले जी बहुत बहुत शुक्रिया। ट्विंस माशाल्लाह, ये दोनों ट्विंस हैं, क्या बात है। कैमरे की तरफ बेटा जरा देखो, दोनों के साथ एक अच्छी सी वीडियो बन जाए ट्विंस। अच्छा कोई कोई सॉन्ग छोटा सा सुना दो दोनों भाई। नहीं आता मुझे। कोई पोएम सुना दो फिर। नाच सुना। अच्छा चले भाई नाच की फरमाइश, नाच सुना दे जल्दी जल्दी, फिर हमने
थोड़ी सी नाज आती है। चलो जितनी भी आती है। तेरे सदके के आका सारे जहां को इन्हें मिला के चले जी। थैंक यू सो मच अबू बकर और साथ बहुत प्यारी नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी। तो चलते हैं नाज़रीन, अभी टाइम बहुत कम है, हमें काफ़ी जगह विज़िट भी करना है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मियाँ जी रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे रवायती खानों के बहुत ही अपनी दिलचस्प है और उनकी खास जो खास स्पेशलिटी जो कि दाल मखनी यहाँ की बहुत मशहूर है। गुजरात जब आप क्रॉस करते हुए जाएंगे तो रास्ते में आपको जदीद तरीके ने जाके के खाने मिले। तो चलते जाके फैमिली के उनके साथ गपशप करते हैं। सबसे पहले इनके पास सर के पास चलते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? वासिक बिन जाहिद। वासिक बिन जाहिद साहब, क्या इतने खूबसूरत मौसम में माशाल्लाह बाहर भी बारिश इतनी अच्छी हो रही है, मियाँ जी पे आप लोग खाना खाना है, तो इनके क्या खाने के बारे में आप लोग फीडबैक देना चाहेंगे? इनका खाना बहुत अच्छा है, हम लोग तकरीबन हफ्ते में एक चक्कर जरूर लगाते हैं जब से ये मंदरा शिफ्ट हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना है और स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, स्पेशल हम इधर आए हैं मौसम की मुनासबत से। सर ने जैसे कि कहा इनके खाने का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, वाकई में हम लोग मैसेज देना चाहेंगे कि फैमिली जहाँ पर आती है यहाँ पे आके फैमिलीज के साथ बूथ बना हुआ है, रंग बरंग खाने हैं अपनी मदद आप जो कि जैसे इनकी दाल जो खा देसी घी से तैयार करते हैं बहुत मज़े की है, दाल हो चाहे इनकी बारबेक्यू की वैरायटी हो तो वो भी बहुत मज़े होते हैं जी। इनसे भी बात करते हैं जो कि पराठा और चाय का कर रहे हैं, तो उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। क्या नाम है आप? ठीक, जहाज़ेब नाम है जी मेरा। जहाज़ेब साहब, गर्मा गर्म चाय और साथ में तंदूरी पराठा, इस टाइम बारिश के मौसम में तो खाने का मज़ा तो दोबारा ऑब्वियसली हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है जी, हम हर वीकेंड पे इधर आते होते हैं और हमें मियाँ जी रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली इनके खाने का बहुत अच्छा टेस्ट है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं आगे भी लोगों से क्वेश्चन करते हैं, उनके भी हेलो हवाल पूछते हैं। बिल्कुल जी, बहुत अरसे से मियाँ जी का मज़ा चख रहे थे लाला मूसा में, जब से यहाँ मंदरा में ब्रांच खुली है तो ऑलमोस्ट वीकली हम चक्कर लगाते हैं। आज इस मौसम में इतनी ज़बरदस्त दाल और पराठे खाने का मज़ा ही कुछ और है जी। अब बिल्कुल जैसे कि भाई ने कहा कि जब से लाला मूसा के बाद इनकी नई ब्रांच यहाँ पे मंदरा रोड के ऊपर खुली है तो फैमिली यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है, हमें बहुत ज़्यादा रश देखने के लिए मिला। तो चलते एक और भाई से भी बात करते हैं, तो उससे पहले वाले उनका भी सबसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम डॉक्टर रिजवान नज़ीर है। रिजवान साहब, आप भी माशाल्लाह खाने से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए, तो मियाँ जी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ ऑडियंस को कुछ वफाक स्पेशल की तरफ से मैसेज देना चाहेंगे कि फैमिलीज यहाँ पर आएँ यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ खानों से हुए? जी, यहाँ पे फैमिलीज को ज़रूर आना चाहिए, खासकर आजकल जिस तरह मौसम अच्छा है, बड़ा खूबसूरत मौसम है, इसमें आना चाहिए, इन्जॉय करना चाहिए। और मियाँ जी वालों को मैं यही कहूँगा कि इनकी दाल वाकई बहुत अच्छी मज़ेदार है और चिकन वाला भी सब्जी वगैरह भी शुरू करें ताकि वो भी अच्छा लगता है हमें खाना। ओवरऑल मियाँ जी के खाने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, बारबेक्यू हो, चाहे वो टिक्का हो, कढ़ाई हो, सारे खाने ही माशाल्लाह इनको बहुत मज़े। चले जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। तो अभी हम चलते हैं मियाँ जी इरफान साहब के पास, जो कि यहाँ पे माशाल्लाह ऑनर है, इनसे बातें करेंगे, चिट चैट करेंगे, खानों के हवाले से बातें करेंगे, जहाँ पे बहुत सारे माशाल्लाह लोग इतने प्यारे मौसम में बारिश में यहाँ पे दाल खाए बिना रहा ना जाए। पाकिस्तानी आवाम जहाँ पे भी खाना अच्छा हो पहुँच जाती, चाहे वो क्वेटा क्यों ना हो, तो खाना तो खाने हर बंदा खाता जाए, फिर इतने ट्रेडिशनल खाने। तो सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मियाँ इरफान जी। मियाँ इरफान साहब, माशाल्लाह ने लाला मूसा के बाद आपने मंदरा रोड के ऊपर जो एक और ब्रांच का इनकार किया गया, बहुत अच्छा हमें लगा, खासतौर पे जो कि रवात के लोग को करीब पड़ता है, गुजर खान के लोगों को करीब पड़ता है, तो आपकी दाल माशाल्लाह जो पूरे वर्ल्ड में फेमस होती गई है, अपने खानों के बारे में कुछ बताएं, क्या मसाले डालते हैं, क्या इसकी खास स्पेशलिटी है? मसाले तो वही है जी जो आम रूटीन से सब चीज़ों में जाते हैं, और स्पेशल हमारा दाल है वो देसी घी में बनती है। ठीक है जी, ये बस अल्लाह का करम है और बुज़ुर्गों की मेहनत है इसमें। ठीक है जी, तो ईमानदारी से जो है ना हम वो अपना कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है जी। इधर भी लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी है हमें, और बहुत जो है ना वो लोगों ने कहा कि आप लेट आए हैं इधर, लेकिन चलें आ गए हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला इधर हमें। बहुत अच्छी इरफान साहब ने बात की कि बुज़ुर्गों की दुआएं और नेक नीति है, वाकई में मैं एक आपको बात बताना चाहूँ कि नेक नीति होना तो इंसान के जो कामयाबी होती है वह कदम चूपती, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, खाना एक ऐसी चीज़ है कि लोग खाना दूर दूर खाने जाते हैं, तो मैं खुद बड़ा खाने को शौकीन हूँ। अभी हमने शो शुरू से पहले ही यहाँ पर डिसाइड किया था कि हम जो जाएँगे यहाँ पर खाना खाएंगे, तो मैंने माशाल्लाह पूरी प्लेट दाल की खा गई, मुझसे वैसे खाई नहीं थी लेकिन मैंने चम्मच के साथ खाया, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
पास पाकिस्तान के माया नाया शेफ जिन्होंने बड़ी सारी कढ़ाई रखी हुई है, बीच में दाल, दिल करता मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब, जरा इधर पास आ जाए, कैसे सर? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह। आप लोगों के जो खाने की तारीफ है, जो खासतौर पर दाल है पाकिस्तान में, देख रहे हैं ना आप माशाल्लाह कितना रश है पाकिस्तान में, नहीं वो पाकिस्तान से बाहर भी पूरे वर्ल्ड में मशहूर नहीं ऐसा है इंशाल्लाह, क्वालिटी वाला खाना किधर भी नहीं ऐसा, आपको पता ही, इसलिए आप आए ना। दाल में क्या डालते हैं ऐसी खास में? बहुत चीज़ें होती हैं, वो तो पूरी रेसिपी तो नहीं दे सकते ना आपको। जितना भी बड़ा शेफ आपका कोई रिलेटिव क्यों, इवन कि आपका अब्बा भी क्यों ना, वो खाने के तरीका बताते लेकिन पूरी रेसिपी कभी भी नहीं बताते। अगर रेसिपी वो हमें बता देंगे तो वो खुद, मैं क्या कह सकता हूँ। चले एक साथी और भी बात, उनसे भी बात करें। मटन कौरमा हो, मटन कढ़ाई हो, दिल ललचा रहा है, आलू कीमा बहुत कुछ। तो जी नाजरीन जी देखे, मेरा तो दिल करा पर छलांग मार के अंदर चल जाऊँ और मटन कौरमा भी चेक करूँ, कीमा करेले, मेरा ख्याल कीमा करेले मुझे तो लग रहे हैं, साथ में आलू की मैं तो बस आगे चलते हैं जी। अभी और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि अभी उन्होंने खाना खाया क्या खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? जमील। जमील साहब यहाँ पे कितने अरसे से आप आ रहे हैं? हम आज ही आए हैं, पहला दिन है। कैसा लगा यहाँ पे आके? तो अच्छा लगा। कोई मियाँ जी के खाने के बारे में कोई बात करना चाहेंगे? खाना बहुत अच्छा है, महंगा है। खाना बहुत अच्छा महंगा जा रहा है, जो अच्छी चीज़ होती है थोड़ी महंगी तो होती है। चले जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जी चलते हैं साथ ही और भी बुजुर्ग साहब बैठे, उनसे भी बात करते हैं कि वो मियाँ जी के आए हैं जहाँ पे स्पेशली दाल खाने, उनसे भी जाके बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आप? मोहम्मद अय्यूब। मोहम्मद अय्यूब साहब यहाँ पे मियाँ जी रेस्टोरेंट पे आप लोग आए हैं, इतने प्यारे बारिश के मौसम में खानों से लुत्फ़अंदोज़ हुए, कुछ बात शेयर करना चाहेंगे खाने के हवाले से? खाना तो सर जैसे था, बस मौसम ने खाने का मजा दुबला कर दिया। असल में मसला ये हुआ, मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से खाना ऐसे में ढूंढ लाना। गाने तो सारा खत्म ही नहीं हो गए। चले जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलते हैं इधर, यहाँ पे कुछ अफराद के लिए तो उनका भी जाके इंटरव्यू करते हैं, जहाँ पे बारबेक्यू टिक्का दाल जो कि सीख के बाद बिल्कुल ख़त्म होने को है, हम लोग लेट आए हैं। तो चलते भाई साहब से बात करते हैं, यहाँ से शुरू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? वलीद। वलीद भाई कहाँ से आप? मैं पिंडी भी रहता हूँ। पिंडी से स्पेशली आप मियाँ जी के यहाँ रेस्टोरेंट पर आए दाल खाने, बारबेक्यू खाने, और इतने प्यारे बारिश के मौसम में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस जी एंजॉय करें बारिश का मौसम, यही बारिश के तो एंजॉय करना, खाने को नहीं एंजॉय कर रहे आप? खाने को भी एंजॉय कर ही रहे हैं, छह सात पराठे खा के अभी एंजॉय नहीं रहे, अभी नहीं एंजॉय किया जी। यहाँ पे हमारे एक और भी बड़े प्यारे भाई बैठे हैं जो कि टिक्का बोटी के बिल्कुल पेट के सामने, उनसे भी पूछते हैं कि यहाँ पे क्या खानों का फीडबैक है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? क्या नाम है आपका? शाज़ीब। शाज़ीब आप भी पिंडी से आए हैं, क्या कोई मैसेज देना चाहिए मियाँ जी के रेस्टोरेंट पर आप लोग आए या पे लो? तो टेस्ट है हाँ जी, और खादियाँ भी जाते हैं स्पेशल मियाँ जी हम लवर्स हैं। अच्छी बात की है कि अब तो हमारे बिल्कुल पास बन गया है, बिल्कुल पास का खाना अच्छा हो पाकिस्तान में तो लोग खाना बिल्कुल दूर जाते, चाहे वो खारियाँ हो, लाला मुस हो, गुजरावाला हो। वक्त हम लोग मौजूद हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, बहुत ही खूबसूरत पार्क है जेरिकस पार्क, जहाँ पे मौसम देखिए कितना खूबसूरत है। अभी हम पार्क के अंदर चलेंगे, फैमिलीज आई हुई हैं उनसे भी बात करेंगे। मौसम तो बहुत ख़राब हो रहा है लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बारिश शुरू होने से पहले ही हम लोग कुछ लोगों से बातें करें, कुछ चिटचिट करें, तो देर किस बात की, चलते हैं पार्क के अंदर आ जाएँ। मेरे साथ बड़े ही प्यारे मेरे दोस्त सामने हैं, उनके साथ बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हारिस। हारिस कितने प्यारा खूबसूरत मौसम है, और आप जेरिकस पार्क में कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? हम स्पेशल विफाक टीवी की तरफ से आए। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये पार्क मुझे फर्स्ट टाइम आज मैं आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा पार्क लगा है। यहाँ पे आगे पीछे जो उन्होंने चीज़ें बनाई हैं और उसके बाद जो इधर के चीज़ें देखने वाली चीज़ें हैं, उसके बाद खेलने के लिए बच्चों के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे। मैं सबको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि सब यहाँ पर आएँ और इन्जॉय करें। चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं आगे, बारिश भी बहुत खूबसूरत हो रही है, इतना प्यारा मौसम मीरपुर आज़ाद कश्मीर का जेरिकस पार्क है। ये देखे कितने इतने बड़े जराफे, ये देखो पूछो जियोग्राफिक चैनल डिस्कवरी चैनल, मुझे तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पहुँच सकूँ। तो चलते हैं लोगों से बात करते हैं। अभी इस वक्त तो काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है नाज़रीन, हमें आने में भी काफ़ी टाइम लगा, तकरीबन 45 मिनट्स की ड्राइव थी, वो ड्राइव करके हम लोग पार्क में मौजूद है। इस वक्त बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। यहाँ पे एक साहब बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं, कुछ
کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ راجہ شاہد اختر. راجہ شاہد اختر صاحب, میر پور آزاد کشمیر کا یہ سب سے خوبصورت پارکوں میں سے ایک پارک ہے, اسے کہا جاتا ہے جری کا یہ جو پارک ہے, تو کیسا فیل کر رہے ہیں آپ یہاں پہ آ کے؟ یہاں کر بہت مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے, دل بھاگو بھاگو, دل بھاگو بھاگ, سکون ملتا ہے انسان کو, ذہنی سکون ملتا ہے. اب مزید سکون کے لیے اگر آپ ہمیں کچھ گناہ کے سنا دیں. موسم بڑا خوبصورت, آج موسم بڑا دیوانہ ہے, ٹھیک ہے, آج موسم بڑا بےمان ہے, آج موسم, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ بسما. بسما, اتنے خوبصورت پارک میں, اتنے پیارے رومانٹیکل موسم میں, ماشاء اللہ بارش بھی ہو رہی تھی, دو تین دن سے گرمی تو بہت زیادہ پڑی تھی, آج اللہ پاک کی دیکھنا, اللہ پاک بڑے غفور رحیم, کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو آپ یہاں پہ آ کے خوب انجوائے کریں, آپ کی پوری فیملیز آئی ہوئی, تو کوئی میسیج دینا چاہیں گے اسپیشلی وفاق ٹی وی کی طرف سے, ہم لوگ آئے ہیں وفاق کے لیے, کوئی میسیج دے, کچھ اپنا فیڈ بیک دیں, یہاں پہ آ کے آپ کس طرح انجوائے کر رہے ہیں؟ یہاں پہ آ کے مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے, اور یہاں میں اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوں, میرا بیٹا بھی بہت انجوائے کر رہا ہے, میں انگلینڈ سے آئی ہوں تو میرا بیٹا یہاں پہ بہت انجوائے کر رہا ہے, مجھے بھی خود اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے, تین چار دن سے بہت گرمی پڑ رہی تھی, لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں واقعی یو کے میں ہوں, اور وفاق ٹی وی کا تھینک یو انٹرویو کا, اور مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ آئے ہیں یہاں پہ اس پارک کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے, اور باقی لوگ بھی یہاں پہ آئیں, اور جو دیکھ رہے ہیں ضرور ادھر آئیں اور اس پارک کو انجوائے کریں. تھینک یو. بہت شکریہ بسما نے بہت اچھی بات کی کہ میں یہاں پہ آ کے یہی فیل کر رہی ہوں کہ میں یو کے میں ہوں, پاکستان بھی بہت خوبصورت ہے. تو چلتے ہیں آنٹی سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم آنٹی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آنٹی آپ کا؟ پروین. پروین آنٹی, آپ بھی ماشاء اللہ ان سب کے ساتھ آئی ہوئی, لگتا ہے بسما کی ممی ہیں, تو آپ بھی کوئی میسج دینا چاہتے ہیں پارک میں آ کے آپ لوگوں میں انجوائے؟ پارک میں دوسری دفعہ آئی ہوں, ماشاء اللہ بہت اچھا ہے, اتنی پیاری جگہ ہے, بہت حسین ہے, بچوں کے لیے تو خاص کر بہت اچھی ہے, انجوائے کے لیے تو مجھے تو بہت اچھی لگی ہے. تھینک یو سو مچ آنٹی. آگے بھی چلتے ہیں, ننھے منہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے ہیں جو کہ جنہوں نے ٹنٹ کرائی ہوئی, لگتا ہے یو کے سے نہیں کرائی, پاکستان سے کرائی ہے, کٹ لگا تو یہ لگتا ہے پاکستانی ٹنٹ ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ رابعہ شاہد. رابعہ شاہد, لگتا ہے ساری آپ فیملی ماشاء اللہ اکٹھے ہو کے جہاں پر آئے ہیں. ابھی ابھی آیا ہے. کیسا لگ رہا ہے اس جڑی کے پارک میں آ کے؟ اچھا فیل ہو رہا ہے, مطلب جب بندہ پریشان ہو تو اس ادھر آ کے سکون کے لیے یہ اچھا پارک ہے, اور اچھا فیل ہوتا ہے, اور دوسرا مجھے جھولے بہت پسند ہے, میں تو وہ ضرور لوں گی. جھولے بہت, ایک زمانے میں بیبی جہاں جھولے پہ بیٹھے تھے ترم کر کے تھلے ڈگیا سی میں جھولے, تو میرے کو پتہ نہیں سے لگا, اس کے بعد میں ہوں پنجابی بول رہا, میرے بہت ڈر لگا قسم خدا. تھینک یو سو مچ جی. ویر خان صاحب, کتنا پیارا موسم ہے, ماشاء اللہ بارش بھی ہو رہی ہے, دو تین دن سے اتنی گرمی پڑ رہی تھی, آج اتنے خوبصورت موسم میں آپ انجوائے کریں, اپنی فیملیز کے ساتھ آئے, کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے, یہ جو ہے نا پہلے دو تین یا چار دن پہلے بہت گرمی پڑی ہے, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, آج اتوار بھی ہے تو بچوں کا جو ہے نا یہ اسکول میں چھٹی بھی تھی, تو ادھر سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت بھی برس رہی ہے, تو ساتھ میں جو ہے نا انجوائے بھی ہو گئی ہے ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں, اور یہاں پارک بھی بہت اچھا اور خوبصورت ہے, اور لوگ اس پارک کو پسند بھی کرتے ہیں, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہے نا باقی جتنے بھی آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ اس کو اور جو ہے نا ساتھ میں جو ہے نا اپنے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو کہ اس پارک کو وسیع کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ایک تو ساتھ ہی یہ منگلا ڈیم ہے اور ساتھ میں ایک خوبصورت سا پارک اور اس میں وسیع ہو جائے تو یہ ہمارے میرپور کے عوام, خاص طور پر آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہوگا اور بہت ہی اچھی اور خوبصورت سیرگاہ بھی ہوگا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ سر.